हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस तरीका का रैप्टर अगर डिग्री में लगाना हो आपको, ये एक शेड का ड्राइंग है। आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये एक शेड है, इसमें एक रैप्टर लगा हुआ है जो डिग्री में होता है, स्लोपिंग में लगाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका ये स्लोपिंग दिया गया है। तो ये जो रैप्टर है 10 डिग्री में लगाना है, तो इसे कैसे इसका डिग्री निकालते हैं, तो इसको डिग्री में कैसे कटिंग किया जाएगा, दोनों साइड का डिग्री कैसे निकाला जाएगा कि यहाँ पे माइटर कट हमें कितना डिग्री में काटना है। यहाँ पे जो वर्टिकल में जो दिख रहा है वो भी आपका बीम का ही रहेगा दोनों साइड में, और ये सीधा इस तरीका से बीम लगेगा, और इस बीम के ऊपर ये सब छोटा छोटा चैनल सब लगा हुआ है। ये सब का साइज यहाँ पे दिया है, और ये कितना स्लोपिंग में रखना है, कितना डिग्री में रखना है, यहाँ पे डिग्री दे दिया गया है, डिग्री आप निकाल सकते हैं। तो इसका डिग्री कैसे निकाला जाएगा, और दोनों साइड में माइटर कटिंग काटने के लिए जो बैक कट हम कैसे निकालेंगे, इसका मैं एक फोटो यहाँ पे बना दिया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस तरीका से ये जो रेफ्टर है वो लग रहा है डिग्री में, ठीक है। और दोनों साइड ये बीम जो है, ये इस तरीका का जो बीम है उसी का माइटर कटिंग करके यहाँ पे डाउन किया गया है दोनों साइड में, जॉइंट करने के लिए दोनों कॉलम के ऊपर, इस तरीका से कॉलम के ऊपर माइटर कटिंग करके और डिग्री में लगाना है। तो यहाँ का डिग्री कैसे निकलेगा, और यहाँ का डिग्री, और ये कितने डिग्री में है, तो यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ ये 10 डिग्री में है। जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल जाएगा कि ये 10 डिग्री में है। इसका फॉर्मूला है, यहाँ नीचे आएंगे तो इस चार्ट के जरिए आप डिग्री भी निकाल सकते हैं, और माइटर कटिंग का जो चैनल हो या बीम हो उसका बैक कट भी आप निकाल सकते हैं इस चार्ट के जरिए। मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे करना है। सबसे पहले हम इसका तरीका देख लेते हैं डिग्री निकालने का। ये कितने डिग्री में है, जो ये वाला दिया है इस तरीका से ड्रॉइंग में देता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो देखिए एक बनाया गया है त्रिकोण की तरह, सेम वैसा ही मैं यहाँ पे एक बना दिया हूँ त्रिकोण की तरह, जिसमें एक नीचे में डायमेंशन दिया गया है 82-18, और इधर में डायमेंशन दिया गया है 14-49। इसे आपको क्या करना है, 8218 को डिवाइड करना है 1449 में। जब इसको आप इस तरीका से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5.6714 ये आंसर आएगा। फिर इस आंसर को आप कैलकुलेटर में जाएंगे और 10 इनवर्स इंटू 5.6714 करेंगे तो आपका ये डिग्री निकल जाएगा। 10 इनवर्स लेना है कैलकुलेटर में। तो इस तरीका से ये 80 डिग्री जो निकलेगा वो यहाँ का डिग्री आपका रहेगा कि यहाँ पे कितना डिग्री में ये माइटर बन रहा है। उसके बाद फिर इसी को उल्टा अगर आप डिवाइड करते हैं, 1449 डिवाइड 8218 आंसर आएगा यहाँ पे 0.17632। फिर इसे भी उसी तरीका से 10 इनवर्स इंटू कर देना है 0.17632, बराबर 10 डिग्री आ जाएगा कि ये आपका जो बीम है वो 10 डिग्री में रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 10 डिग्री लिखा हुआ है। 10 डिग्री में आने के बाद यहाँ पे जो कॉलम है, ये जो इस कॉलम पे ये लग रहा है वो 90 डिग्री में ऑलरेडी है, और ये जो है 10 डिग्री में आपको लगाना है। तो 90 डिग्री और 10 डिग्री यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा, और वो 100 डिग्री में यहाँ पे माइटर आपको काटना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा डाउन है। अगर 90 डिग्री में होता तो ये बिल्कुल सीधा होता, तो ये जो है 10 डिग्री डाउन में हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 डिग्री प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 10 तो यहाँ पे 100 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 80 डिग्री हो गया। इसी तरीका से आप डिग्री निकाल सकते हैं। अगर आपको चार्ट के जरिए निकालना है तो आप इस चार्ट के जरिए भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ ये डिवाइड करना है, पहले जैसे इसमें डिवाइड किया गया वैसे आप डिवाइड करेंगे 5.6714, तो ये आंसर जो आएगा आप इसमें मैच करेंगे कि यहाँ पे किस चार्ट में मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.67 आया हुआ है, तो हम इसमें मैच करते हैं 5.6। यहाँ पे देखिए ये रहा, यहाँ पे 5.6712, ये 80 डिग्री में मैच कर गया। इस तरीका से आप देख सकते हैं कि ये कौन से डिग्री में मैच कर रहा है। 80 डिग्री यहाँ पे आंसर निकल गया आपका। अब ये नीचे वाला जो दिया गया है 1449 डिवाइड 8218 0.17632, फिर ये भी हम मैच करेंगे 0.17, सिर्फ दो अंक भी मैच करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इस ऊपर वाले चैट में मिलेगा आपको, ये देखिए ये ऊपर में है 0.17632, यहाँ पे देख सकते हैं वही वाला आंसर है, यहाँ पे 10 डिग्री में मैच कर रहा है। तो ये डिग्री निकल गया। इस तरीका से आप डिग्री निकाल लेंगे इस चैट के जरिए। अब ये डिग्री निकालने के बाद हम इसमें यहाँ पे जैसे 100 डिग्री निकल गया और यहाँ पे 80 डिग्री, तो 80 डिग्री में हमको माइटर कटिंग काटना है, अगर चैनल हो या बीम हो या एंगल हो, तो उसका ओडी आपको लेना होता है, ठीक है। तो इस तरीका से हम नीचे आएंगे, यहाँ पे मैं सब लिख दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बीम है वो 200 का है,
हमको ये देख लेना है कि ये बीम कितने का है, चैनल हो या एंगल हो, जो भी हो आपको माइटर कटिंग इस तरीके का काटना है, तो पहले उसका ओडी ले लेंगे कि कितना है जिधर से मुड़ रहा है। तो 200 का इसका ओडी है, 200 का। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जो टैन थीटा होता है सिर्फ टैन लेना है, इसमें टैन इनवर्स नहीं लेना है आपको, टैन इंटू डिग्री कर देना है, आंसर जो आएगा उसमें इंटू 200 कर देना है, जो यहाँ का ओडी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला ऊपर में लिख दिया गया है, इस तरीका से फॉर्मूला यूज करना है, टैन इंटू डिग्री आंसर इंटू 200 बराबर कट बैक, यानी कि जो कट बैक आएगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लिए, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे 80 डिग्री यहाँ पे आया हुआ है कि 80 डिग्री में हमको ये माइटर हमको कटिंग करना है, तो यहाँ पे डिग्री को क्या करेंगे, पहले दो से डिवाइड कर देंगे, तो 40 डिग्री इसमें हो जाएगा और 40 डिग्री इसमें हो जाएगा, दोनों तरफ 40-40 डिग्री में कटिंग होगा, तो ये 80 डिग्री में आपका माइटर बनेगा। सेम वैसा ही इधर भी आपको क्या करना है कि दोनों को, ये यहाँ पे 100 डिग्री है तो इसे दो से डिवाइड कर देंगे, यहाँ का जो डिग्री है तो वो 50 डिग्री इधर और 50 डिग्री इधर, दोनों साइड 50-50 डिग्री कटेगा। तो हमें ये 50 डिग्री लेना है और 40 डिग्री लेना है, तो 40 डिग्री में यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन किया गया, 10 इंटू 40 जो आंसर आ गया यहाँ पे 0.83909, और यहाँ पे इंटू 200 किया गया है तो 167.8 यहाँ का कटबैक निकल गया। फिर उसी तरीका से यहाँ पे 10 इंटू 50 यानी कि 50 डिग्री में हमको यहाँ का काटना है, 10 इंटू 50 डिग्री ये आंसर आया टू 1.19175, ये आंसर आया, आंसर इंटू 200 ओडी, इसका जो भी ओडी होता है, चैनल हो या एंगल हो या बीम हो, जो भी हो आपको काटना है उसका ओडी लेना है, तो आपका इस यहाँ पे कटबैक यहाँ पे आ जाएगा 238.3, इसका कटबैक रहेगा, यहाँ पे मार्किंग होगा कटबैक का इतना 238.3 दोनों बीम में सेम कटिंग होगा, और ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री में, और इधर का हो जाएगा आपको 80 डिग्री में, यहाँ पे 100 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ पे 80 डिग्री का हो जाएगा। तो इसे आप इस तरीका से आप ये कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नहीं तो आप ये चैट के जरिए भी आप इसका निकाल सकते हैं कटबैक। कैसे निकालना है, अगर आपको इस चैट के जरिए आप काटेंगे तो ये 10 इंटू 40 वाला जो कैलकुलेशन ये आपको करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको 40 डिग्री का, आपको जैसे 40 डिग्री में माइटर इसमें कटिंग करना है, तो यहाँ पे आप आएंगे और इसमें देखेंगे कि आपको 40 डिग्री कहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे 40 डिग्री लिखा गया है, जो ये वाला आपको लेना है अंक 0.83909, ये वाला अंक लेना है और इसमें इंटू ओडी कर देना है, जितना ओडी होगा उसका, ये सब का जो भी होगा, बीम होगा, चैनल होगा, इसमें सिर्फ ओडी में गुना कर देना है आपको, ये वाला 40 डिग्री का जो यहाँ पे टैन थीटा का जो आंसर है 40 डिग्री का ये वाला लेना है आपको, और इसमें इंटू कर देना है ओडी से, तो आपका जो है कटबैक निकल जाएगा 167.8। सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है, जैसे हमको 50 डिग्री में काटना है, इधर में दोनों साइड में 50 डिग्री माइटर कट काटना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे जाना है, 50 डिग्री का हमको काटना है तो हम लोग को ये वाला सिर्फ लेना है 1.1917, ये वाला लेना है और इसमें इंटू कर देना है ओडी, बीम हो या चैनल हो या एंगल हो, कुछ भी उसका ओडी लेना है, इस तरीका से सेव करना है, ये वाला आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, 1.1917 यहाँ पे जो चीज़ है देख सकते हैं 1.1917 यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.1917 लिखा हुआ है, 5 से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ आपको ये ओडी लेना है और ये आपका ये कटबैक निकल जाएगा इस तरीका से, इस चैट के जरिए। इस चैट का यहाँ पे डाउनलोडिंग का लिंक दिया गया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका डिग्री भी निकाल सकते हैं और इसका कटबैक भी निकाल सकते हैं इस चार्ट के जरिए, और नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला के जरिए, ये फॉर्मूला भी दे दिया गया है, आपको इस तरीका से फॉर्मूला यूज करना है, तो आप कोई भी चैनल हो या बीम हो उसे डिग्री में आप काट सकते हैं।